करेंगे। बिहारी सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम मटी जी। कोटेदार आप हैं क्या? जी जी, यहाँ केंद्र मटी और न्याय पंचायत डुमरी ब्लॉक चिलघर के मुझे जी जी। अभी मैं आपसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। आपके खिलाफ प्रधान जी ने अन्य लोगों ने आरोप लगाया था राशन वितरण में धांधली की तरह करते हैं। ये जो महामारी चल रही है, जो पूरा विश्व स्तर से कोटेदार पर तमाम तरह का भार है, उसके बावजूद भी कई कोटेदार इसको लेकर सस्पेंड भी हुए हैं, मुकदमे भी हुए हैं। वहीं इस बात की शिकायत करते हुए पिछले पूर्व हमारे यहाँ शिकायत गई थी, कोटेदार द्वारा तमाम तरह धांधली की जा रही थी। प्रधान से बयान लिया गया तो वो भी यही बता रहे हैं भाई आपके द्वारा धांधली की जा रही है, क्या मामला है हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या सच्चाई है? देखिए, इसमें मामला ये है कि कल शाम परसों शाम 5 बजे मेरे संज्ञान में आया था कि कुछ युवाओं ने, वयस्क युवा थे वो, उनका ये बयान था कि कोटेदार द्वारा पात्र परिवारों को खाद्यान्न न देकर बाजार में कालाबाजारी की जा रही है। सबसे पहले हम आपको ये संज्ञान दे दें कि बलिया के कुछ ऐसे चुनिंदे दुकानदार हैं हम, जहाँ सही वितरण किया जाता है। कुल 1450 लगभग कोटेदारों में कुछ चुनिंदे कोटेदार हैं हम जो सही तरीके से यहाँ वितरण करते हैं। 5 किलो प्रति यूनिट और 35 किलो प्रति अंत्योदय कार्ड पे यहाँ वितरण किया जाता है। कितना पैसे लेते हैं? पैसे हम 85 रुपये में 35 किलो और 12 रुपये में 5 किलो। 12 रुपये में 5 किलो और 85 रुपये में 35 किलो यहाँ खाद्यान्न वितरण किया जाता है। जी जी, मतलब इस तरह कोई आप आरोप पे बुनियाद बताते हैं? नहीं, ऐसा है ना कि इसमें प्रधान का भी गोल गलती राजनीतिक मुद्दा है। वो ये कि 80 से 85 अपात्र कार्डधारकों को करवाए हैं और खाद्यान्न वितरण करवा रहे हैं, जो ये सारे अपात्र हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के विभागों द्वारा जो नए नियम, नए नए बदलाव सब विभाग में आती जा रही है, जो आज तक 100% डिजिटल हो चुका है, उसमें कार्ड पात्रों का भी कटता गया, पात्रों का भी कटता गया। इसके लिए पूरे गांव वाले बौखलाए हुए हैं, वो हम लोग क्या करें? उसकी जिम्मेदारी ऑफिसर्स की है। ऑफिसर्स कैसे काटते हैं, कैसे चढ़ाते हैं, कोई मतलब नहीं। सही वजन, सही कीमत और सही समय पर साफ सुथरा अनाज वितरण करना ही हमारी प्राथमिकताएँ हैं। जो माल बचा वो मशीन में बचा, गोदाम में बचा, काम खत्म। अगर गोदाम में एक दो बोरी खाद्यान्न नहीं भी होती